हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू डीप टेक ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या आप लोग भी मेरे जैसा एडिटिंग करना चाहते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरे जैसा एडिटिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखनी है, आप लोग एकदम सीख जाओगे। और ये जो रेड कलर की लाइट है, ये लाइन वाली लाइट है, ये जो इधर उधर कर रही है, मतलब कि मूवमेंट कर रही है, ये आप लोग कैसे करा सकते हो। और यहाँ पर जो डीप देख रहे हो, ये जो जल रही है, इसे आप लोग कैसे करा सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे, आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, जो मेरे पास काइन मास्टर है वो एकदम नॉर्मल सा है, जो आपके पास है वो मेरे पास है, कोई भी हैकिंग काइन मास्टर नहीं है, आप लोग जो सोचते हो। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो मेरी फ़ोन है मेरी रिस्टोर भी हो चुकी है, जिसके कारण मेरी जो काइन मास्टर की जितनी भी इफेक्ट्स मैंने डाउनलोड की थी सारी उड़ गई है। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि मेरी जो इफेक्ट सब है, फैक्स है, ये सब हट चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट में देखूँ तो मेरी जो टेक्स्ट की डिज़ाइन होती है दोस्तों, वो भी सारी हट चुकी है। और दोस्तों, आप लोग को नहीं विश्वास है तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरी जो है बस एक एंड्रॉयड है, एक लेटिन है, दो ही बची हुई है, बाकी सब उड़ गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इसे काइन मास्टर को अपने अपडेट करना चाहते हो, एक्स्ट्रा चाहते हो कि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ दोस्तों, आप वहाँ पर देख लो और आप लोग सीख जाओ। तो दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे एडिटिंग कर सकते हो आप इस तरह की। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि कितनी अच्छी से लाइटिंग जो हो रही है रेड कलर की चल रही है। यहाँ पे जो थी थंब की जो लाइक वाली सिंबल, कितनी अच्छी से मूव कर रही है। और यहाँ पे जो दीप है, यहाँ पे दीप जो जल रही है वो कितनी शानदार लग रही है। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे कितनी अच्छी से दोस्तों ये जो होती है लाइटिंग आ रही है। तो ये सब आप लोग कैसे कर सकते हो, बस आपको लास्ट तक देखनी है यार, आप लोग सीख जाओगे। और ये वीडियो जो है दोस्तों, ये लगभग 11.5 मिनट्स की हो चुकी है, ज़्यादा लंबी है, पर दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोग एकदम अच्छे से सीख जाओगे, आपको बस लास्ट तक देखनी है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को तो पता ही है कि मेरी जो काइन मास्टर है एकदम नॉर्मल सी है, और आप लोग इसी काइन मास्टर से कैसे मेरे जैसा एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके फ़ोन में तो काइन मास्टर रहनी चाहिए, आप लोग डाउनलोड कर लो अगर नहीं है तो। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक आप कोई सा एक बैकग्राउंड चुन लो, जैसे मैं डीप वाला बैकग्राउंड लेता हूँ क्योंकि मैं हर बार डीप वाला ही वीडियो बनाता हूँ बैकग्राउंड के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं लगभग 30 सेकेंड की ये जो होती है फ़ोटो को चुन लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं 30 सेकेंड इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर बताऊँगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और आप लोग तो इतने में सीख ही जाओगे। तो ये बस मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि वॉच टिल द एंड, जिससे हमारी वीडियोस को आप लोग लास्ट तक देख सको। उसके बाद इसमें मैं कुछ इफेक्ट्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे इफेक्ट्स मैं डाल दे रहा हूँ और इसकी अल्फा कुछ कम कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसे मैं पूरे 30 सेकेंड तक कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैं अपने चैनल का नाम भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी फ़ोन है वो रिस्टोर होने के कारण मेरी पूरी फाइल डिलीट हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, और वहाँ पे मेरी जो चैनल की लोगो को सब थी वो भी सब डिलीट हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो में मैं लोगो शायद नहीं लगा पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी जो है वो मिल जाए अच्छे से, बैकअप हुई हो तो बैकअप हुई होगी तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस इमेज को आप लोग को ले लेना है, लेयर में जाकर के ही लेना है। तो जैसे ही आप इसे लेते हो तो यहाँ पे क्रॉप वाली ऑप्शन आती है। इस फोटो में आप लोग देखो कि मैं कैसे क्रॉप कर रहा हूँ इस डीए को। तो इस लाइटनिंग जो वाइट कलर की, उसे मैं क्रॉप कर लिया। उसके बाद इसे मैं देखिए दोस्तों कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ और इसे मैं कैसे जला रहा हूँ, आप लोग भी समझ जाओगे। और ये काफ़ी कूल है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यू ट्रिक है दोस्तों, जो अभी तक किसी को पता नहीं होगी, और ये काफ़ी मुझे भी अच्छी लगी है दोस्तों, मैं अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल करता हूँ और आप लोग भी इसे जानना चाहते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही कूल ट्रिक मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आप लोग दंग रह जाओगे कि यार ऐसी भी ट्रिक होती है काइन मास्टर में, कितनी अच्छी है। तो देखते रहो दोस्तों, आप लोग को पता चल जाएगी। तो देख रहे हो दोस्तों, मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है येलो कलर का, आप कोई भी कलर का ले लो। उसके बाद मैं अगर कोई आप लोग वीडियो में समझाते हो रिकॉर्ड करके, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोग बताते हो तो आप लोग ऐसे एडिटिंग कर सकते हो मेरी तरह, जैसे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये 30 सेकेंड की तो है और यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया है, और बस कुछ चीज़ और करनी है, इसे मैं सूटेबल कर देता हूँ ताकि दोनों जगह से मुझे ये बराबर दिखे।
और इसकी जो साइज़ है वो शायद कुछ कम करनी पड़ेगी तभी ये जो है अच्छे से एडजस्ट हो पाएगी। तो ये जो पीछे वाली येलो कलर की बैकग्राउंड है उसकी मैं साइज़ थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि कुछ अच्छे से हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ी पहले से अच्छी लग रही है दोस्तों, और ये अच्छी हो भी गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पता चलेगी कि सबसे पहले इसे आप अपने वीडियो के हिसाब से सेट कर दो कि कितनी सेकेंड की वीडियोज़ है, उस हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्ड इसे डालो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इसे मैं डाल देता हूँ, इसे सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो मैंने लाइटिंग कर रहा था इस वीडियो में, तो वो आप लोग लाइटिंग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले सब्सक्राइब की बटन दे देता हूँ, और जो रेड कलर की लाइटिंग कर रहा था दोस्तों मैं, वो लाइटिंग आप लोग भी कैसे कर सकते हो, वो भी मोशन वाली। तो उसके लिए आप बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बोला ना बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक इस वीडियो में आप लोग को सिखाई जा रही है और आप लोग सीख भी जाओगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सिंपली आपको करना है यहाँ पे हैंड राइटिंग वाले ऑप्शंस पे आना है, उसके बाद यहाँ पे देख लेना आपको जो भी कलर चाहिए वो चूज कर लेना है। और इसे मैं देख लीजिए कैसे कैसे एडिटिंग कर रहा हूँ, बस इसे लाइन पाड़नी है। आप लोग देखोगे ना तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगेगा, यार इतनी अच्छी इतनी आसान ट्रिक थी और मैं आप लोग आपसे पूछ रहा था। तो दोस्तों ये सब आपको भी आसान, ऐसा मेरे साथ भी होता है, अगर मैं कोई चीज़ देख लेता हूँ या सोचता हूँ इतनी आसान थी और मैं सोचा था कितनी हार्ड थी, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर एक चीज़ हर एक ट्रिक बहुत ही आसान मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी सी चुन लेता हूँ मैं, हिसाब से चुनना होगा दोस्तों कि वीडियो के हिसाब से आराम से ये हो जाए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो के हिसाब से जो देख रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डर उसके हिसाब से, और एकदम बराबरी पे चुनना है दोस्तों, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ताकि आपकी वीडियो सूटेबल और अच्छी लगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप चुन लेते हो उसके बाद आपको इसे थोड़ी सी फिनिशिंग करनी होती है, इसे थोड़ी सी बड़ी कर देंगे तो शायद और भी अच्छी लगने लगे। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये हो चुकी है और सेट भी हो चुकी है, और दोस्तों बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, बादल भी गरज रही है, मुझे तो डर लग रहा है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग डुप्लीकेट करके यहाँ भी लगा दो। डुप्लीकेट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ये दोनों लाइटिंग है सेम जो लाइन वाली है वो दोनों एकदम परफेक्ट हो जाएगी और एकदम टाइमली चलेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग इरेज बाय स्टॉक कर दो और इसे सबसे ज़्यादा टाइम पे दे दो ताकि ये जो है हमारी जो वीडियो चले, जब हमारी वीडियोस चले तो ये एकदम आराम से मूवमेंट करे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख रहे हो दोस्तों कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग को भी ऐसा ही करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं 15 सेकेंड की ले लेता हूँ ताकि अच्छे से 2 बाय 3 बार ऐसे आपको कट कर देना है ताकि आपकी जो वीडियो होगी जब चलेगी तो आपकी 2 बाय 3 बाय जो होगी, जितनी बार आप कट करोगे उतनी बार आपकी लाइटिंग जो होगी लाइन वो मूवमेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यार यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उसके कारण मैं वीडियो भी अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी घरघराहट वाली आ रही होगी आप लोगों को। तो दोस्तों प्लीज़ यार माफ़ करना इसके लिए, तो मैं बहुत जल्दी में आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार दोस्तों मैं कुछ दिन 2-3 दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, और मुझे दुख भी है कि मैं नहीं दे पाया क्योंकि दोस्तों मेरी जो फ़ोन थी वो कुछ बिगड़ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे रिस्टोर मारनी पड़ी और इसे दिखवानी पड़ी तो टाइम लग गई दोस्तों। इसलिए मैं अभी न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ हमारी फ़ोन एकदम खाली है, काइन मास्टर में कुछ भी इफेक्ट्स नहीं, एकदम नॉर्मली मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ तक देख लियो, जहाँ तक मैंने सिखाया लगभग आप लोग सीख लिए होंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि एक लाइक बटन तो देना बनता है, पर ये तो दोस्तों फोटो है, पर आप लोग देखो दोस्तों एकदम मैजिक हो जाएगी, आप लोग कहोगे वाव यार कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कूल ट्रिक है। तो दोस्तों इसे आप मैनेज कर सकते हो छोटे करके। तो ये देखा ना दोस्तों, ये जो मैंने किया वो क्रॉप में जा कर के किया और ये और भी अच्छी लग रही है क्रॉप में जाने के बाद। तो इसे भी मैं दोस्तों शानदार इफेक्ट्स दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं पॉप पॉप वाली इफेक्ट्स दे दूंगा और यहाँ पे जो है मैं डाइवर्स वाली इफेक्ट्स दे दूंगा। तो यहाँ पे डाइवर्स वाली इफेक्ट्स अगर मैं दे दूंगा, उसके बाद देखिए दोस्तों इसे आप लोग कट कर दो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 7 सेकेंड के करीब में कट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, 7 सेकेंड के करीब में मैं कट करते जाऊँगा ताकि हमारी वीडियो जो है चलती रही, हमारी जो ये लाइक बटन है वो एनी टाइम मूवमेंट करते रहे। ठीक है, तो इसे मैं अब आप लोग को प्ले करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, हमारी वीडियोस रेडी है और ये प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए।
तो देखा ना दोस्तों ये कितनी शानदार लग रही है, और यहाँ पे डाइवर्स भी हो रही है, पॉप भी हो रही है लाइक बटन, और यहाँ पे जो लाइटिंग इफेक्ट्स है ये मोशन भी कर रही है, हमारी जो दीप है वो भी जलने लगी है, हमारी जो सब्सक्राइब बटन है वो भी मूव हो रही है कलरफुल। तो दोस्तों ये कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो आई होपिंग करते हैं दोस्तों कि आपको ऐसी ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी, और ऐसी ही ट्रिक और भी देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। यार देखो यार आप लोग भी सोच होंगे यार कितनी मुश्किल काम है, कितनी मेहनत लगी है, यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख रहे हो कि यार कितनी कट किया हूँ, कितनी चीज़ मैंने अलग से जोड़ा हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी सोचेंगे, तो दोस्तों आप लोग को तो पता चल ही गई होगी कि मुझे एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक कर दो, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते अगले वीडियोज़ में। तब तक दोस्तों, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना।